इंदिरा साहनी की जजमेंट जब 1992 में आई, 90 में इसका है जो कि शुरुआत किया गया था, लिटिगेशन में आया था रिजर्वेशन के बारे में। और आप लोग को भी ज्ञान है कि ये जो क्रिमिले सॉरी आरक्षण जो शब्द है वो अंग्रेज काल से ही है, जो कि दबे कचले शोषित पीड़ित के लिए अफर्मेटिव एक्शन के लिए इसको निर्धारित की गई थी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 1993 में किया गया। ढाई साल तो वहाँ पे लैग किया गया, ढाई साल हमारी कितनी हकमारी हुई। उसके बाद जो सड़ से धड़ अलग करने का जो टूल ये दिया गया है वो भी एक बहुत बड़ा मतलब रोल है, जो स्वर्ण या हम कहें कि जो अपर क्लास के लोग हैं, जो मात्र 3.5% की आबादी जो सत्ता पे नहीं सब जगह पे, चाहे नौकरशाही हो, चाहे बड़े व्यवसायिक हो, या न्यायपालिका हो, या कानून बनाने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, ये तमाम जगह पे 3.5% के लोगों ने कब्जा रखा है। और जिस तरह से हम लोग को बजाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, वो घुमाते रहते हैं। इन सब को तमाम पहलू पे रखते हुए काफ़ी सारे हम लोग के पास डाटा आज उपलब्ध है, और ये डाटा कोई जैसे तैसे यहाँ वहाँ से फेसबुक के यूनिवर्सिटी से नहीं है, ये ऑथेंटिक डाटा है जिसके अंदर हम लोग हैं, जो कि आप लोग को ज्ञानवर्धन करेंगे। और तमाम बहुसंख्यक समाज के नौजवान या जो गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं या जो गार्जियन के रूप में इस वीडियो को देखेंगे, तो आगामी चुनाव जो हमारा लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हर एक घर में दस्तक देंगे जनप्रतिनिधि। उन सब तमाम लोगों से इसका सवाल जरूर करना परम भाई, जो भी वीडियो देखें उसको ये बताएंगे कि क्या क्रिमी लेयर जैसे सर से धर अलग करने के लिए, यानी लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए जो मैकेनिज्म यूटिलाइज हो रहा है 3.5% के लोगों के द्वारा, क्या इसको अलग करने के लिए आपको एक पहल उठाएंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग आज बात करने के लिए आए हैं खास करके क्रिमी लेयर पे। तो सबसे पहले नंबर आपको बता दूं कि हमारा सबसे नामचीन यूनिवर्सिटी है JNU, और JNU के अंदर एक जीव विज्ञान के प्रोफेसर जो हैं उनका कहना था कि जो नीचे क्लास के लोग हैं, जो OBC वर्ग के लोग हैं, अगर वो इस काबिल बन जाएंगे तो जो यहाँ के जो बड़े प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो छोड़ करके बाहर चले जाएंगे, और अगर ये लोग पढ़ करके ऊपर चले जाएंगे तो इसका एक्शन कुछ और होगा। ये JNU की प्रोफेसर की बात किया। अब दूसरा बात मैं कर रहा हूँ आप लोग को, जो कि हमारे पास एक डाटा है, ये डाटा आपको 3.5% की बात जो मैंने किया है उसी से रिलेटेड है। अभी बिहार में जाति गणना की गई, मैं धन्यवाद उन लोग को भी करना चाहता हूँ जो इसके नायक रूप के रूप में निकले हैं। पार्टी के नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन सबको पता है कि जाति जनगणना करने के बाद सब चीज़ तार तार हो गया है कि कितनी आबादी है, कौन सा व्यक्ति का कितनी कास्ट का कितनी आबादी है, उसके लोग कितने जॉब में हैं। मात्र आपको पता होना चाहिए कि बिहार के डाटा के अनुसार मात्र 1% लोगों के पास लीडरशिप है, मात्र 1% लोग जो पूंजीपति में हैं। क्या 1% के लोगों के ऊपर जिस कास्ट से, चाहे OBC में कोई भी कास्ट हो, क्या ऐसे लोगों पे क्रिमी लेयर का निर्धारित करनी चाहिए थी? नहीं, क्योंकि इसको अफर्मेटिव एक्शन के रूप में लिया गया है, इसको बराबरी के हिस्सेदारी देश को आगे बढ़ाने के लिए विश्व गुरु बनाने के नाम से ही किया गया था। लेकिन जो भी पार्टी अभी तक सत्तासीन हुई है वो तमाम पार्टी बहुसंख्यक समाज के बच्चे को अधिकार को हनन करने के रूप में, लीडरशिप को ख़त्म करने के रूप में काम किया है। अब समय आप लोग के माध्यम से है, क्योंकि हम लोग के पास न कथावाचक है न पुजारी है, कथावाचक पुजारी भी बहुत काम करता, बहुत अच्छे बात बता देता हमारे लोगों को कि आरक्षण का क्या ज़रूरत है। मीडिया में हमारे अच्छे जो बड़े मीडिया है उसमें तो नगन है ना, हम लोग को चैनल है ना, हमारे भाई पत्रकार बड़े बनते हैं। अगर हमारे लोग संपादक बने, पत्रकार बने या न्यायपालिका के अंदर बड़े पोस्ट पे आए तो स्वाभाविक है हमारे देश में जो 90% की आबादी है उसकी बोलबाला कुछ और होगा, और देश का जो उत्थान होगा नो डाउट
दुइन दूनी चार चौगनी के अनुसार होगा। कभी 5 किलो अनाज पे कोई आदमी लाइन नहीं लगाएगा, बशर्ते कि आरक्षण के अंदर ये क्रिमी लेयर का शब्द को हटा दिया जाए। आप लोग को पता है, एक छोटी सी डाटा वर्तमान में आई है, बिहार के अंदर 17 सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और उस 17 सीट में 10 सीट यानी कितने परसेंट, लगभग 65% की जो लोग हैं वो बड़े घराने और यूं कहें कि स्वर्ण या अपर क्लास के लोग लड़ रहे हैं, वही MP बनेंगे, वही कानून बनाएंगे और इसका तो न्यायपालिका को तो कुछ कहना ही नहीं है। सारे मिलकर के कानून बनाते हैं, न्यायपालिका को पालन कराने वाले कौन होते हैं? वही अगले क्लास के लोग। जो हम रीट पटिशन दायर करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम लोग जब तक सेना नायक को चुनेंगे नहीं, ये सड़ और जो धड़ अलग किया है उसको एक साथ नहीं करेंगे। मेरा मतलब साफ है कि नौकरशाही एक बहुत बड़ा टूल हम लोग के साथ है और वो सब हमारे साथ लड़ाई में मूवमेंट में आएंगे तो सिर्फ 99% गरीब नहीं लड़ पाएगा। इसको अगर 25% भी अगर हम लोग के जो 27% की आबादी दी गई है, अगर वो लोग भी हम लोग आ जाते हैं इन सब चीज़ों में, न्यायपालिका में या एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद जो हमारे लोग मंत्री बनते हैं उन सब में आ जाएंगे, तो हमारे लोग चाहे वो कॉरपोरेट के हों या कोई अन्य के हों, ये सारे लोग कहीं ना कहीं हमारे लोग अपना काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम लोग ये तमाम जानकारी को साझा कर रहे हैं आज, और अगर चाहें तो आप हमसे डाटा भी ले सकते हैं। अभी हमारे पास जो डाटा यहाँ पे उपलब्ध है वो मैं एक एक करके बता देना चाहता हूँ आपको। जी, ये हमारा अभी तक के जो आंकड़ा है वो मैं बताना चाहता हूँ। उच्च प्रशासनिक पदों पे जो अपर सचिव या सचिव रैंक के लोग हैं, 500 में से 310 ब्राह्मण के हैं, ये आपको 62% की आबादी बनाती है। उसके बाद 26 प्रदेश मुख्य सचिवों में जो प्रधान चीफ सेक्रेटरी होते हैं उसमें 19 ब्राह्मण हैं, 26 में से 19 परसेंटेज कैलकुलेट सब लोग कर सकते हैं समय के देखते हुए। 27 राज्यपाल उपराज्यपाल में से 13 ब्राह्मण के हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 16 न्यायाधीश में से 9 ब्राह्मण हैं, जो कि 50% से ज़्यादा होता है। 330 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में से 166 ब्राह्मण हैं। 140 राजदूत में से 58 ब्राह्मण हैं। 3300 भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों में से 376 ब्राह्मण हैं। निर्वाचित पदों पर इनका प्रदर्शन इतना ही बढ़िया है, 508 में लोकसभा सदस्य में से 190 ब्राह्मण हैं। 244 राज्यसभा सदस्यों में से 89 ब्राह्मण हैं। कैसे ये हमारे लिए क्रिमी लेयर और आरक्षण, हमारे जो वर्तमान सरकार है उनका एक वीडियो देखा, ये हमें हरेक बहुजन के जो लोग हैं बहुसंख्यक समाज के लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए कि वो तो कहते हैं किसी भी चीज़ में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। पहले का पूर्ववर्ती सरकार छोटा टूल लगाया बहुत हथियार सरधर अलग करने का, वर्तमान सरकार तो कहती इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुसंख्यक में जो SC ST के जो लोग हैं जो अभी दबे हुए हैं अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं, उनका भी एक परिणाम है कि उनका भी आगे क्रिमी लेयर का प्रावधान हो जाएगा। 2017 में ही इसको सिफारिश की गई थी कि मिनिमम 12 लाख करना चाहिए और आज के डाटा के अनुसार 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाने वाले की संख्या नहीं हमारे देश में है। मात्र 4-4.5% जो लोग हैं वो 50,000 रुपये की सैलरी लेते हैं। लगभग बिहार के डाटा जैसा मैंने बताया 20 लाख में हमारी जो नौकरियां 20 लाख है या पूरे देश की 1.5 करोड़ की जो नौकरियां हैं उसमें लगभग 33%, जो बिहार का डाटा मैं बता रहा हूँ, 60% की आबादी जो आज के डेट में है वो हमारे बहुसंख्यक SC ST OBC माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, OBC और EBC की संख्या 60%। तो 60% में हम लोग 33% तो उनको छोड़ दे रहे हैं। इसलिए हम लोग आप लोग से गुजारिश करेंगे, तमाम
मीडिया कर्मियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को चलाकर और सभी हमारे हर घर तक दस्तक दे। आप ही एक सहारा हैं जो कि एक लड़ाई में एक मूवमेंट में कामयाबी दे सकते हैं, अन्यथा हम लोग का कोई ना, तो जैसा कि मैं बताया कि सत्ता के स्तंभ पे काबिज, सत्ता पे जो काबिज करने के लिए जो चार जो स्तंभ है, पांच अभी है, मीडिया है, व्यवसायिक बड़े व्यवसायिक हैं, नौकरशाही हैं, उन तमाम लोग ये तभी लड़ाई लड़ेंगे कि जब तक सर से धड़ अलग रहेगा तो लड़ाई नहीं होगी, और इसको सर धड़ एक साथ हो जाएगा। मेरा कहने के साफ है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न अच्छे भर रहे हैं, अगर उनको भी लिबर्टी दे दिया जाएगा तो हमारी लड़ाई अच्छी हो जाएगी और हम तमाम चीज़ों के ऊपर कभी डिमांड नहीं करेंगे। 5 साल में हटा दीजिएगा क्रिमिनल लेयर नहीं, आरक्षण नहीं, लेकिन पहले ये करके तो दिखाइए।